हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मेरी आज की रेसिपी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, चॉकलेट चंक कुकीज़ की रेसिपी। ये कितनी डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रही है, आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना। तो गाइस, ये रेसिपी बहुत ही आसान है, इसे मैंने केवल 3 चीज़ों के इस्तेमाल से बनाया है और ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल आप कुकीज़ बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। तो चॉकलेट चंक कुकीज़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप बटर। ये बटर रूम टेम्परेचर पे है। अगर आपका बटर फ्रिज में रखा हो तो उसे थोड़ी देर बाहर निकाल कर रख दें और फिर उसे इस्तेमाल करें। और साथ ही मैंने इसमें डाला है 1/2 कप पाउडर शुगर। ये रेगुलर घर की पिसी हुई चीनी है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से बीट करते हुए एक फ्लफ़ी क्रीमी टेक्स्चर बनाकर हम इसे तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल क्रीमी और फ्लफ़ी हो गया है हमारा बटर। तो हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने केवल 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है और ये हमारा डो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, है ना, बहुत ही आसान रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो हमारा डो यहाँ पे अच्छे से तैयार हो चुका है और अब हम इसमें मिलाएंगे डार्क चॉकलेट, जिसको मैंने पहले से रफली चॉप करके रखा हुआ था। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे चॉकलेट चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस रेसिपी में आप इन चॉकलेट चंक्स का ही इस्तेमाल करें। अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी बाज़ार में रेगुलर मिलने वाली चॉकलेट को इस तरीके से रफली चॉप करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डो हमारा तैयार हो चुका है और अब हम उस फ्राइंग पैन को ग्रीस कर लेंगे जिस पे हमें इसे बनाना है, यानी कि बेक करना है। तो मैं यहाँ पे इसको बटर के साथ ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे ऑयल के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। पे मैंने पैन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसे हम एक तरफ रखते हैं और कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे पोर्शंस लेंगे और उन्हें गोल गोल इस तरीके से हम रोल करते हुए एक कुकी का शेप देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जितनी भी बड़ी ये कुकीज़ बॉल्स बना रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि ये बेक होकर डबल हो जाएगी। तो हम उसी अकॉर्डिंग कुकी का शेप देकर इन्हें तैयार करेंगे। तो हम ज़्यादा बड़े बॉल्स नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बॉल्स इस तरीके से बनाएंगे और उन्हें फ्लैटन कर देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे कुकीज़ को बनाकर तैयार कर लेते हैं और इन्हें हमें थोड़े थोड़े गैप में रखना है ताकि इन्हें बेक होने के लिए जगह मिल पाए, क्योंकि बेक होने के बाद ये साइज़ में डबल हो जाते हैं। तो ये मैंने सारी कुकीज़ अरेंज कर दी है और ऊपर से मैं लगा रही हूँ इसमें चॉकलेट चंक्स। आपकी कुकीज़ अगर बिखरने लगे तो इस तरीके से आप हाथों से उसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं सारी कुकीज़ में चॉकलेट चंक्स लगा दूँगी, जिससे देखने में ये और भी टेम्पटिंग लगेंगी। तो हमारी कुकीज़ बेक होने के लिए तैयार है। मैंने पहले से एक आयरन का तवा प्री हीट करके रखा था 5 मिनट के लिए। अब उस तवे पे हम इस पैन को रखेंगे और 30 से 35 मिनट के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। मीनवाइल हम इसे चेक करते रहेंगे 20 मिनट्स के बाद, क्योंकि कभी कभी ये जल्दी भी बेक हो जाती है, ये गैस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मुझे इसे लगभग 32 मिनट लगे हैं, यानी कि 32 मिनट्स लगे हैं बेक करने के लिए। और ये कुकीज़ देख सकते हैं आप, नीचे से भी अच्छे से बेक हो चुकी है और ये साइज़ में भी डबल हो चुकी है। तो अब हम इसे एक वायर रैक पे रखेंगे ठंडे होने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है, आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी है। आप ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाली है। तो जब कुकीज़ ठंडी हो जाती है, मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से इसका टेक्स्चर कैसा है। तो मेरी कुकीज़ यहाँ पे अच्छे से ठंडी हो चुकी है और ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो मैं आपको अंदर से भी इसे दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है और पीछे से भी ये कितने अच्छे से बेक हुई है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, अंदर से भी इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। कोई कह सकता है भला कि हमने इसे 3 इंग्रेडिएंट से ही बनाकर तैयार किया है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।